अल्मोड़ा पुलिस ने शहर में चेकिंग के दौरान हरियाणा मार्ग वाहन से 258 बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख आंकी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने बताया है कि जनपद में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा से सोनू सजवाली की रिपोर्ट। कल एसओजी और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 258 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जो कि एक वाहन में कार में लेकर जाया जा रहा था, और इसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि एक नजफगढ़ का रहने वाला बंदा है और एक सोनीपत का रहने वाला है। और जो 258 बोतल है, इनका दाम जो मार्केट में है 1,42,000 रुपये है। इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है।